हेलो। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोकैलेमाइन लोशन के बारे में, क्योंकि इस लोशन को एलर्जी के प्रॉब्लम में प्रयोग की जाती है और ढेर सारे फायदे हैं इस लोशन के, क्योंकि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एस्ट्रोकैलेमाइन लोशन जो कि एस्ट्रो लैब कंपनी की है और इसकी प्राइस की बात करें तो 90 रुपये है, जो कि 100 ml के पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये लोशन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं कैलामाइन, डीफेनहाइड्रामाइड, हाइड्रोक्लोराइड एंड कैम्फोर। दोस्तों इस लोशन को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। 1, एलर्जी की प्रॉब्लम हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। 2, शरीर में कहीं भी खुजली हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। 3, छोटे छोटे दाने हो। 4, ये हमारे स्किन को सॉफ्ट रखता है। 5, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो। 6, दाने हो, पिंपल्स हो। 7, घमोरियाँ हो। 8, स्किन में ड्राइनेस हो। 9, ब्लैक हेड्स हो। 10, स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। 11, एक्जिमा हो। 12, कोई कीड़ा वगैरह काट ले और दाने हो जाए, उसमें जलन हो, लालपन हो, चकत्ते टाइप में हो जाए, तो उस कंडीशन में भी प्रयोग कर सकते हैं इस लोशन को। 13, ये स्किन को ठंडक रखने में भी मदद करता है। तो दोस्तों इस लोशन के इतने सारे फायदे हैं और इन सभी समस्याओं में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज़ कैसे करें इस लोशन को। तो इस लोशन को इफेक्टिव एरिया पर थोड़ा सा लोशन लें और वहाँ पर लगा लें। दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे लगाना है? जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पर लगाना है। थोड़ा सा लोशन लें और वहाँ पर लगा लें दिन में 2 से 3 बार। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग कंडीशन को देखकर डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस लोशन के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिखाया गया है। अगर बार दफा प्रयोग करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि रैश, इचिंग, तो बिल्कुल ये घबराएं नहीं, इसका यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो एस्ट्रोकैलेमाइन लोशन के बारे में। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।